सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई एम श्रवण, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एसकेएम बैकपैकर्स। सो गाइस, मैं जा रहा हूँ अभी, मैं भी अभी जोधपुर में, अभी जोधपुर का सीरीज चल रहा है आपको तो पता है, और मैं हूँ अभी एक सर्किल पे और वॉर म्यूजियम जा रहा हूँ। वॉर म्यूजियम मेरे फ्रेंड लोगों ने रिकमेंड किया था कि श्रवण भाई वॉर म्यूजियम ज़रूर जाना अगर जैसलमेर में हो तो यहाँ से मैं लिफ्ट लेने वाला हूँ और देखता हूँ, क्योंकि यहाँ से दूर है सिटी और टैक्सी भाड़ा 1000 बता रहे, तो अफोर्डेबल बजट भी जाने वाली काम है तो नहीं, बट देखते हैं लिफ्ट मांग के है जाएगी नहीं जाते, इसका एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा है। सो गाइस, फाइनली मैं वॉर म्यूजियम आ चुका हूँ। जैसलमेर से ये 14 किलोमीटर है, 12-13 मानो, और वहाँ से मुझे लिफ्ट तो नहीं मिला क्योंकि मैं लेट हो रहा था, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दिया। मुझे लोकल पब्लिक बस मिल गई, वहाँ से 20 रुपये लिए 12 किलोमीटर, 10 मिनट में छोड़ दिया इन्होंने, 10 से 15 मिनट लगे होंगे। और ये रहा जैसलमेर वॉर म्यूजियम, और ये पूरा डिजर्ट इलाका है, और इधर आर्मी के कैंप है, पूरा आर्मी का ट्रेनिंग जो कैंप होते हैं ना वो सारा इधर, आपको ज़्यादातर आर्मी मिलेंगे क्योंकि यहाँ से पास में पड़ता है पाकिस्तान बॉर्डर, तो इसीलिए यहाँ पे आर्मी ज़्यादा है। और जितना भी मतलब खाली एरिया भी बहुत है, बहुत सारा वेपन्स वगैरह का जो परीक्षण होते हैं ना ये इधर ही होते हैं, बॉम बारूदी वगैरह मिसाइल वगैरह का परीक्षण ज़्यादातर इसी एरिया में होता है क्योंकि इधर डिजर्ट है, तो उसका इफेक्ट वो उधर शहरों में ना जाए इसके वजह से। पर पता नहीं यार, मैं थोड़ा सा संकोचित हूँ कि वीडियो बनाने देंगे अंदर में या नहीं, तो लेट्स सी व्हाट हैपन। ये रखे हुए दो बड़े बड़े तोप डाला जाएगा किसी को। ये रहा जैसलमेर वॉर म्यूजियम, एंट्री गेट पता नहीं कहाँ से, फ्री एंट्री क्या है नहीं पता नहीं है, पता करता हूँ। सो गाइस, अंदर अभी 10 मिनट के बाद बोला एंट्री देंगे, तो क्योंकि अंदर में भीड़ बहुत ज़्यादा है, क्राउड को देखते हुए उन्होंने बोला कि 10 मिनट जब कुछ लोग निकल जाएंगे देन, तो अभी वेट कर रहा हूँ बाहर में, धूप ज़्यादा है तो ये ऑटो के पीछे बैठ के अपन चिल मार रहे हैं। गाइस, फाइनली एंट्री दे दिया है, अभी तक तो टिकट विकट का नहीं कुछ नहीं, देखते हैं। सो गाइस, अभी है ना बार बार यहाँ पर रोक रहे हैं और चलाते क्योंकि अंदर भीड़ है ना, धूप इतना है, साइड में आ गया हूँ और एक आइसक्रीम लिया, आइसक्रीम खाते हैं। तो भाई गजब की गर्मी, जैसे दिल्ली में रहता ना जून जुलाई में वैसे गर्मी। दोस्तों, वॉर म्यूजियम में हम जब जाते हैं तो वीडियो बनाना अलाउ नहीं रहता है। वॉर म्यूजियम में जाने के लिए आपको टिकट लगती है जिसकी प्राइस 55 रुपीज़ रहता है, जिसमें 35 रुपीज़ टिकट चार्ज रहता है और 20 रुपीज़ आपके जो वहाँ पे वीडियोग्राफी के थ्रू दिखाया जाता है वो सारा कुछ चार्ज रहता है। और वॉर म्यूजियम में आप बहुत सारा वेपन्स देख सकते हैं, जो पाकिस्तान और इंडिया के साथ लड़ाई हुआ था उसमें पाकिस्तानी सोल्जर्स वो अपने जो वेपन्स है, जो हथियार है, वो सब छोड़ के भाग गए थे, वो सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। और साथ में उसमें ये भी देखेगा कि उसमें और में जो भी वेपन्स यूज़ हुए थे इंडिया की तरफ से या फिर पाकिस्तान की तरफ से, वो सारा वेपन्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सारे जो वेपन्स है ये सारे पाकिस्तानी छोड़ के और उस दरमियान भाग गए थे अपने देश में, तो ये सारा ये बंकर है। बंकर में जैसे कि अगर ज़मीन के अंदर पुलिस वाला जो फौजी हमारे आर्मी होते हैं भाई, वो लोग कैसे बंकर के अंदर से फायर करते हैं, सारा कुछ आपको देखने को मिला। मैं फ़ोटो के फॉर्म में दिखा रहा हूँ, अंदर में वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, फ़ोटो खींचना अलाउ था, तो मैंने ये सारा कुछ शूट किया है। वंदे मातरम, जय हिंद। सो गाइस, फाइनली वॉर म्यूजियम घूम लिया, अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, उन्होंने पहले बता दिया, बहुत सारा रूल रेगुलेशन रेस्ट्रिक्शन सारा को फॉलो करना था, नहीं तो समझ रहे हो आर्मी के कैंप में हो, कोई बात नहीं। बट मैंने सारा फ़ोटो लिया है, फ़ोटो लेना अलाउ था, तो वो सारा फ़ोटो के फॉर्म में मैं आपको वीडियो कितने दिखाऊँगा। हाँ जी, ये भाई देखा, ये टिकट है, टिकट। सो गाइस, फोर्ट घूमने के बाद हम बाहर में वेट कर रहे थे कि कोई टैक्सी गाड़ी आ जाए, आधा घंटा तक वेट किया, हाँ दे रहे, लिफ्ट मांग रहे हैं, चेकिंग कर रहे, बट एक भैया मिले जिन्होंने गाड़ी रोके, उनका गाड़ी खाली था और आधा घंटा बाद मुझे लिफ्ट मिली, तो थैंक यू सो मच भैया। आपका नाम? संतोष भार्गव। आप कहाँ से, यहीं से हो? जैसलमेर से। जैसलमेर से, थैंक यू सो मच लिफ्ट देने के लिए। आप मतलब आपका काम यही है? यही टैक्सी का काम है अपना। ओके, यहाँ पे मतलब क्या रेंट पे अगर 12 रुपये पर किलोमीटर। ओके, रेंट पे देते हैं मतलब जो घूमने वाले टूरिस्ट वगैरह आते हैं जी। ओके, तो आप समझ रहे हो, एक
आपके लिए मैसेज भी हो गया कि आप अगर जैसलमेर घूमने आते हो तो आप अननोन हो तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो आप भैया से कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर बता दो आप अपना। 8306966510। ओके, ये आपका पर्सनल नंबर है? जी पर्सनल नंबर है। ठीक है, तो अगर आप जैसलमेर प्लान कर रहे हो घूमने का, आपको अगर कोई टैक्सी हायर करना है तो आप इस नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो भैया से, फ़ोन करो, बात करो और बुक करो। सो थैंक यू सो मच भैया अगेन। हरे कृष्णा। तो बस इस वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।